तो फिलहाल आए थे थोड़ा सा खाना खाने के लिए, खाना तो मिला नहीं तो क्योंकि यहाँ जल्दी दुकानें बंद हो जाती हैं। देखो इधर सब, ये मेडिकल स्टोर खुला, हेलो कैसे हो आप लोग, सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अभी मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश में और मैं जा रहा हूँ इंडिया के फर्स्ट विलेज अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात नाहरलगुन से जा रहा हूँ पासीघाट जो कि अरुणाचल में ही है। और मेरे को जाना था इंडिया फर्स्ट विलेज, तो वहाँ के लिए जो गाड़ी मेरे बताया था कि नहीं मिल रहा था मेरे को, तो वो जाती है सुबह 6:30 बजे के आसपास जाती है। तो पासीघाट के लिए जा रहा था तो गाड़ी मैंने ले ली क्योंकि यहाँ पर रुकना कोई फ़ायदा नहीं था। तो अभी कुछ मैं रास्ते में हूँ, चाय पानी कर रहा हूँ और फिलहाल टाइम हो चुका है जो कि 3, तो फिलहाल एक चाय ली है और चाय पी रहा हूँ। और यहाँ कुछ व्यू देखो, मैंने कहा दिखा देता हूँ। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है तो आप देख रहे हैं। अभी मैं असम के अंदर हूँ और ये असम के ही अंदर से रास्ते तो दो हैं, अंदर से भी अरुणाचल के अंदर से भी है, लेकिन ये वाला जो रूट है ये ज़्यादा अच्छा है। तो फिलहाल मौसम बहुत ही अच्छा है और आगे की जर्नी ऐसे ही अच्छी रही तो अच्छा होगा, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं हुई। नेपाल में हुई थी, नेपाल के बाद तो सिलीगुड़ी में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, उसके बाद तो फ़िलहाल नहीं हुआ। और अभी चाय पी रहे हैं और यहाँ स्टॉप हुआ है जो कि 4 से 4.5 घंटे पासीघाट के लिए लेता है। और वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ पहुँचने के बाद फिर देखते हैं कि आगे के लिए मेरे को साधन क्या मिलेगा। ठीक है, और आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और जल्दी पीए चाय, फिर निकलना भी है और वहाँ पहुँच कर फिर आपको बताते हैं आगे की जानकारी। और थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ, तो गाड़ी दिखाता हूँ। गाड़ी है 13 सीटर वाली है अपनी, ये वाली, ये होटल है कुछ, तो यहीं पे रुके थे। और हमने तो अभी ये लहिया चना बनवाया, देखो कितना तीखा सा है। तो अभी फ़िलहाल यही खा रहा है क्योंकि खाना नहीं खाना, और खाना खा लिया तो फिर दिक्कत होगी, बैठना है। अभी 2-2.5 घंटे का सफ़र है जो कि 2.5 घंटा समथिंग, तो इसलिए चने बनवा लिए। और फिलहाल आज तो नहाया भी नहीं है, कल नहाया था 2 दिन बाद, आज फिर नहीं नहाया, ठंडी लग रही थी यार, हमें लग रहा बीमार हो गए तो फिर दिक्कत करेगा, परेशानी होगी, फिर बीमार होगा तो फिर इस सफ़र को रोकना पड़ेगा। इसलिए अगर 1-2 दिन ना भी ना आना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आपसे ऐसे ही बातें होती रहेंगी और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए जो भी चैनल पे नए हैं मेरे। तो हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को कंटिन्यू आप अगर आप उसे पूरा देखेंगे तो जिससे कि आपको लास्ट तक पूरी जानकारी मिल पाएगी कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, कैसे कहाँ रह रहा हूँ। तो क्योंकि ट्रैवल में आपको पता है कि पैसे अगर आप बचाने हैं
तो आपको जगह और खाना पीना क्या खाना है, कहाँ रुकना है, वो सारी चीज़ें। तो इसका किराया तो मेरे को वही समथिंग 600 रुपये पड़ गया इस गाड़ी का। और यहाँ से अगर डिस्टेंस कितने किलोमीटर है, ये समथिंग हमारा हमको लगता है 250 किलोमीटर समथिंग है जो कि यहाँ से। तो फिर पहुँचते हैं अपनी लोकेशन पर, फिर आपसे बात करेंगे और नज़ारे भी दिखाएंगे कुछ रास्ते के आपको, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जब हम पहुंचेंगे इंडिया के फर्स्ट प्लेस तो कुछ वहां का नज़ारा कुछ और ही होगा, और देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की जो इंडिया और चाइना बॉर्डर के पास की जो लाइफ है वो आपको दिखाएंगे। तो भैया हम आ गए हैं पासीघाट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये मेरा दूसरा स्टॉप है अरुणाचल प्रदेश में। तो फ़िलहाल आए थे थोड़ा सा खाना खाने के लिए, खाना तो मिला नहीं, तो क्योंकि यहाँ जल्दी दुकानें बंद हो जाती हैं। देखो इधर सब ये मेडिकल स्टोर खुला हुआ है और ज़्यादातर दुकानें देखोगे बंद हो चुकी हैं। तो फ़िलहाल खाना तो मिला नहीं, और तो हमने चाय की दुकान थी वहाँ से चाय पिया और ब्रेड वगैरह खा लिया है। अभी रूम पे चलते हैं, थोड़ा चिप्स वगैरह पड़े हैं तो वो भी खा लेंगे। रात का बज चुका है 8 और दुकानें यहाँ हो जाती है, मंदिर भी है यहाँ। देखिए यार, मैंने होटल ले लिया, पता है कितने का? 500 का। अगर मैंने देखा ही नहीं, अब रात हो गया ना, इस वजह से भी मैंने देखा नहीं यार। मैंने कहा नहीं तो मैं होटल क्यों लेता यार, मंदिर में है, बढ़िया टेंट लगा लेता हैं और बढ़िया रुक जाता वहीं पर। क्या पता था कि मंदिर भी है, बढ़िया है। ये थोड़ा सा ये ना आसाम का उधर पड़ जाता है, मतलब हमको लगता है कि इधर आसाम के लोग काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। हाँ मैंने देखे है बहुत, और बहुत ही मतलब क्लियर हिंदी बोलते इधर लोग। ये देखें अरुणाचल के लोग भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब वही चीज़ ना, आसाम के लोग ज़्यादा बोलते हैं वैसे, अरुणाचल के लोग भी मतलब मिले जुले वही है ना कि मिक्सअप है। तो फिलहाल अब चलते हैं अपने रूम की तौर, और क्योंकि अभी थोड़ा काम भी करना है। होटल दिखा दूंगा आपको, जो कि होटल यहीं पास में है अपना, होटल दिखा देता हूँ। होटल भैया 600 रुपये दिया कमरा, अभी उन चचा को पैसे देने हैं। भाई बियर की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, नीरी भरी है बहुत सारी, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल थकान बहुत हो गई है भाई, कंटिन्यू ट्रैवल हो रहा है। ये 5वीं बस थी मेरी जो मैंने वहाँ से ली थी, और 5वीं बस ही है समझो, उसमें 13 सीटर लोग हैं, 13 मतलब ये समझ लो 13-14 लोग बैठ जाते हैं, तो बस ही हुई समथिंग। और अभी पहुंच गए हैं, ये होटल है हमारा होटल ईस्ट, तो दिखाना चाहूँगा अगर आप आते हैं तो। ये है होटल, थोड़ा सा दिन में दिखाएंगे, ये लाइट थोड़ा जल रहा है ना, इसकी वजह से समझ में नहीं आया। पीछे दिखाता हूँ अंदर से, इसमें लाइट बीच में जल रहा है ना, इसकी वजह से। ये लिखा है ओयो होटल, तो ये होटल का रास्ता। देखो सारी दुकानें बंद हो गई यहाँ पे,
समझ रहे, पूरा चारों तरफ देखो पूरा। और ये वाला रोड इस तरफ जाता है, इस तरफ दिखा देता हूँ, अंधेरा है तो इधर देखो सारा बंद हो गया पूरा, देख रहे हो बहुत बहुत जल्दी बंद हो जाता है पूरा, देख लो सारा बंद बिल्कुल। तो फिलहाल अपने चलते हैं होटल की ओर और आपको अपना रूम दिखाते हैं चल के, जो मैंने 500 रुपये में लिया है उसे दिखा देता हूँ। और फिलहाल कल अपनी नेक्स्ट जो अपनी नई लोकेशन है बोले तो नेक्स्ट, वहाँ के लिए निकलना है मुझे, चलता हूँ आपको रूम दिखाता हूँ अपना। यहाँ पे रूम है इस तरफ, ये रिसेप्शन है हमारा यहाँ पे, ठीक है आप रूम दिखाता हूँ। हेलो, तो आप रूम दिखाता हूँ ऊपर चल के, थोड़ा सा पैसे दे रहा था ना उसकी वजह से रुक गया था मैं। तो ये बढ़िया बना हुआ देखो है, इसके ऊपर भी है रूम और भी बने हुए। अपना रूम है 300 तो वहाँ था हमारा, क्या नाम था, नहर लगुन, हाँ नहर लगुन में। तो अंधेरा कायम है रूम के अंदर और लाइट जलाते हैं सबसे पहले हम, भैया बल्ब सिर्फ एक ही लगा है यहाँ पे देख लो, क्योंकि बिजली बचाते हैं इस वजह से। तो भाई साहब कुछ ये रूम है और अपना ये रूम पड़ा है 500 रुपये का, एसी भी लगा है, टीवी है। तो बाथरूम थोड़ा दिखाता हूँ, बाथरूम देखो कितना मस्त है भाई, 500 रुपये में और क्या चाहिए, ये देखो बढ़िया गीजर सीजर सब लगा है पूरा, मजबूरी थी ना पता नहीं था यहाँ का, भाई रिक्स तो लेना बनता नहीं है, रात का समय हो गया 8 बज रहा है तो रिक्स नहीं लेने का। देखो पैसा है, पैसा कमाया जा सकता है, अगर आपको नुकसान पहुंच गया, चोट लग गई या कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। देखो मेरा जूता के क्या हाल हो गया, देखो देखो जूते, ये देख लो ये देख लो, ये उखड़ गया पूरा जूता, जूतों ने हमारा साथ छोड़ दिया। ये वाला तो हमने फेविक्विक से चिपकाया था है, इन जूतों ने मेरा साथ छोड़ दिया। तो फिलहाल गाइस अभी के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं मॉर्निंग में अपने नए ट्रैक के लिए और इंडिया के फर्स्ट विलेज के लिए, तो वहाँ का ज़बरदस्त नज़ारा होगा। तो अभी जाएंगे हम, कल मॉर्निंग में बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि सटीक मुझे लोकेशन पता नहीं है यहाँ की, तो कहाँ से कहाँ जाना है वो कल मुझे मॉर्निंग में पता चलेगा। बस का पता कर लिया है, 400 रुपये किराया मैं अभी बता देता हूँ, यहाँ से तेजू शायद वो, हाँ तेजू लोकेशन है जो वो पहले उतारेगी, वहाँ से भी हमको कम से कम 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर मीटर का डिस्टेंस होगा, तो वो कवर करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, पैदल जाएंगे या लिफ्ट लेंगे लोगों से, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल तब तक के लिए मस्त रहिए, घूमिए फिरिए, बढ़िया मज़े करिए, ज़िंदगी में इंजॉय करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, ठीक है। कि कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बना सकूं वीडियो, कोशिश करता हूं भाई। अभी मेरे पास ये टूटा सा फ़ोन है देखो, ये देख लो, ये देख लो टूटा सा, इसी से मैं एडिटिंग करता हूँ, हो नहीं पाता मेरे से, मेरे को ज़्यादा पता नहीं नॉलेज। और एक अपने पास एक ऐसे कूड़े सा वो पड़ा है, एक और चीज़ है उससे वीडियो बना अपलोड करता हूँ, मतलब एडिटिंग करता हूँ, है नहीं अपने पास। तो अभी जो पैसा था वो मैंने कैमरा लेने में लगा दिए, तो अब इसमें पैसे नहीं है, तो बस यही है लास्ट पूंजी। और ये मैंने बताया था आपको स्टार्ट में ही कि मेरी लास्ट जर्नी है, इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, इसके बाद फिर देखता हूँ क्या करना है मुझे, इसके बाद वीडियो नहीं आएगा, मैं चैनल बंद कर दूँगा फिर, क्योंकि भाई पैसा नहीं तो फिर आप जर्नी नहीं कर सकते हैं, है ना। और इस YouTube से भी मेरा पैसा एक भी रुपए नहीं आ रहा है, समझिए।
तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही बढ़िया कमेंट अमेंट करते रहिए। थोड़ा बहुत जो है आप लोग कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे पता चलेगा, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल आपको मॉर्निंग में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।